ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है जो आम तौर पर दिमाग में रक्त का प्रवाह रुक जाने के कारण होती है। इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के दिमाग की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं, जिसके बाद दिमाग को काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ब्रेन स्ट्रोक को एक प्रकार का हार्ट अटैक कहें तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। यह एक प्रकार का हार्ट अटैक ही होता है और इसमें दिमाग को नुकसान पहुँचता है। ब्रेन स्ट्रोक कई प्रकार के होते हैं, इनका इलाज स्ट्रोक के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास मौजूद किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक है तो तुरंत अस्पताल में कॉल करें। इस स्थिति में जल्द से जल्द इमरजेंसी सहायता लेने की जरूरत होती है। इमरजेंसी हेल्प मिलने तक पीड़ित व्यक्ति को किसी आरामदायक स्थिति में जरूर बैठाना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक की हालत में ये देखते रहें कि पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं। अगर उसे सांस लेने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के कपड़े ढीले कर दें, शर्ट के बटन खोल दें, टाई या स्कार्फ आदि को निकाल दें। ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के शरीर को जितना हो सके गर्म रखने की कोशिश करें। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर कंबल डाल दें, चारों तरफ से कवर करके रखें और इसके साथ ही मरीज के आसपास ज़्यादा भीड़ भाड़ ना होने दें, इससे पीड़ित व्यक्ति को घबराहट हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने को ना दें। इसके अलावा मरीज की सभी हरकतों पर ध्यान रखें और अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर को मरीज के लक्षणों के बारे में बताएं। अक्सर हम परिवार के किसी भी सदस्य को बीमार देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं और हताश होने लगते हैं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के मरीज के सामने हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि कभी भी मरीज के सामने ऐसा शो करना नहीं चाहिए कि उसे गंभीर अटैक आया है और वो बच नहीं सकता, खास तौर पर ब्रेन स्ट्रोक के मरीज के सामने। ऐसा करने से पीड़ित व्यक्ति का दिमाग और कमज़ोर हो जाता है और वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। ब्रेन स्ट्रोक आम तौर पर दिमाग में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। जब नसों में खून की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो पाती है तो दिमाग को सुचारू रूप से काम करने के लिए ज़रूरत के हिसाब से रक्त नहीं मिल पाता है, तो इस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन और रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर में ऑक्सीजन रक्त संचार में गिरावट के कारण दिमाग में मौजूद सभी कोशिकाएं मृत होने लगती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति का दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता है और इस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए या इससे दूसरों को सचेत करने के लिए इसके लक्षणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके लक्षणों के बारे में पता है तो आप आसानी से मरीज को बचा सकते हैं, वरना उसकी जान भी जा सकती है। ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को काफ़ी कमजोरी महसूस होती है, यहाँ तक कि उसे उठने बैठने में भी चक्कर आता है। ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पीड़ित व्यक्ति बेड की साइड से दूसरी तरफ भी नहीं खिसक पाता है। ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों के शब्द साफ नहीं निकलते हैं, उन्हें बातचीत के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस दौरान उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है। स्ट्रोक को दिमागी दौरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर अचानक होता है। यह स्थिति तब आती है जब मस्तक में रक्त प्रवाह रुक जाता है या कम हो जाता है। कई बार कुछ मरीज स्ट्रोक के लक्षणों को पहचान लेते हैं, लेकिन कुछ मरीज के लिए इसकी पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि स्ट्रोक में दिमाग को चोट पहुंचती है जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी दिक्कतों को महसूस नहीं कर सकता। ब्रेन स्ट्रोक को किसी भी घरेलू इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर दें, ब्रेन स्ट्रोक को किसी भी घरेलू इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्ट्रोक आने पर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं। अगर एम्बुलेंस को आने में देरी हो रही है तो पीड़ित व्यक्ति को कंबल से ढक दें और उसे आरामदायक स्थिति में बैठा दें या लिटा दें। तो दोस्तों, अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक के बारे में और जानकारी चाहिए हो जो आपको इस वीडियो में ना मिली हो, तो हमें कमेंट्स करें, हम आपकी क्वारी का रिप्लाई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।